सो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि आई वॉज स्केर्ड ऑफ एनाबेल, सो आई मेड हर इन टू अ वाइफू। तो मैं एक्चुअली इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि कल परसों मैंने एनाबेल का एक मूवी देखा था, कॉन्जरिंग शायद वही नाम है उसका। तो मैंने उसके बाद मेरे मन में एक थॉट आया कि अगर मुझे एनाबेला इतनी ही डरावनी लग रही है तो इसके ऊपर एक ही उपाय किया जा सकता है कि वो मुझे डरावनी ना दिखे। सो मैंने सोचा कि उसको एनिमे वाइफो में कन्वर्ट कर देते हैं, सो मेरे डर चला जाएगा, जैसे कि बैटमैन का गया था जब उसने बैट फेस किए थे। आई डोंट नो ये रिजनेबल है कि नहीं, बट लेट्स जस्ट कंटिन्यू एंड डू दिस वर्क। व्हाट शिट, आई डोंट नो, लेट्स मुझसे दूर तू रह, कोल रवे, कभी मेरे हाल पे छोड़ दे, ऐसी भी क्या बात है सोनिया। थोड़ा थोड़ा दिल में बसा ले, थोड़ी सी तो दिल में जगा दे, कभी तू भी प्यार जता दे, सुनो क्या मैं हर बारी गल तेरी जानिया, गल सुनो जानिया जानिया, मेरी गल माने ना माने ना, गल सुनो जानिया। फाइनली एनाबेला का पोर्ट्रेट कंप्लीट हो चुका है। द ओनली थिंग इज रिमेनिंग कि एनाबेला उसे खुद चल के देखे, मतलब वो चलेगी कैसे, वो मुझे ही दिखाना पड़ेगा। सो लेट्स गो टू हर एंड शो हर।